दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर हमेशा की तरह फिर से कुछ यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूँ, जो कि आपके समय और पैसे की तो बचत करती करती हैं, साथ साथ आपके काम को भी आसान बनाने में हेल्पफुल होती हैं। चलिए, देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। दोस्तों, जब भी हम चॉपिंग बोर्ड पे किसी भी सब्जी को कट करते हैं और उसको ट्रांसफर करने के लिए जब हम किसी बाउल में उसको ट्रांसफर करते हैं, तो अक्सर हम क्या करते हैं, इसको पीछे की तरफ से ट्रांसफर करते हैं। और कई बार क्या होता है कि हमारे बाउल का मुंह छोटा होने की वजह से हमारी सब्जी इसके अंदर ना गिर के बाहर की तरफ को गिर जाती है, जिसके कारण हमारी सब्जी की काफी वेस्टेज होती है, क्योंकि हमारे बाउल का मुंह काफी छोटा होता है। तो आपके साथ बहुत ही बढ़िया ट्रिक शेयर करने वाली हूँ कि अगर जब भी आपको चॉपिंग बोर्ड से किसी छोटे मुंह वाले बाउल में सब्जी को शिफ्ट करना हो, तो आप कभी भी इसको पीछे की तरफ से ना शिफ्ट करके आप इसको हमेशा इसके आगे की तरफ से शिफ्ट करें, क्योंकि आगे ये जो हमारा होल बना हुआ होता है, ये इसीलिए बना होता है कि आप अपनी सब्जी को इसके थ्रू जो है अपने बाउल में शिफ्ट करें। ऐसा करने से क्या होता है, आपकी सब्जी जो है कहीं भी इधर उधर नहीं गिरती है, सीधा बाउल के अंदर जाती है, जिसके कारण हमारा जो है सब्जी का बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता और हमें काम करने में भी काफ़ी आसानी रहती है। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की टिकटॉक की पिन लेकर, दोस्तों, जिसका इस्तेमाल हम अपने बालों में करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपने देखा ही होगा, ये टिकटॉक पिन ज़्यादातर हमारे पास ब्लैक कलर की ही होती है, लेकिन कई बार हमें अपने मैचिंग की ड्रेस की टिकटॉक पिन चाहिए होती है, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही बढ़िया टिक शेयर करने वाली हूँ, जिसकी मदद से आप अपने मैचिंग की ड्रेस के मुताबिक ही अपने टिकटॉक पिन का कलर चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आप अपने घर पर रखी हुई किसी भी नेल पेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो भी आपने ड्रेस पहननी है उसकी मैचिंग की आप नेल पेंट ले लें। अब ये देखिए कि मैंने ये ली है ग्रीन कलर की नेल पेंट, आप चाहे रेड ब्लू कोई भी कलर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि नेल पेंट को जो है इस तरीके से अपने टिकटॉक पिन के ऊपर लगा देंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इस तरीके से ग्रीन और रेड कलर की अपनी टिकटॉक पिन तैयार कर ली है। और नेक्स्ट टाइम जब भी आपको अपने मैचिंग की टिकटॉक पिन चाहिए, तो आप अपने मैचिंग की नेल पेंट को इसके ऊपर लगाकर अपने मैचिंग की टिकटॉक पिन बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के रिमोट को लेकर। दोस्तों, कई बार हमारा रिमोट काम करना बंद कर देता है, तो हमें ये लगता है कि इसके सेल वीक हो गए हैं, तो हम इसको उठाकर फेंक देते हैं। लेकिन हमें कई बार पता ही नहीं होता है कि हमारे सेल की जो बैक साइड होती है, यहाँ पर मोशन के कारण या कई बार काफी लंबे टाइम तक इसके अंदर ही पड़े रहते हैं सेल, उसके कारण यहाँ पर कार्बन जमा हो जाता है, जिसके कारण ये काम करना बंद कर देते हैं। तो अगर कभी आपका रिमोट भी इस तरीके से काम करना बंद कर दे, तो आप जरूर ये काम करें कि इसको एक बार चेक कर लें कि आपके यहाँ पे सेल के बैक साइड पे कुछ कार्बन या जंग तो नहीं लगा हुआ है। अगर आपका इस तरीके से प्रॉब्लम आई हुई है, तो आपने एक काम करना है, आपने लेना है अपने घर पे रखा हुआ ग्रेटर, इस तरीके से आपने अपने ग्रेटर के ऊपर रगड़ना है। ऐसा करने से क्या होगा कि इसके बैक साइड के ऊपर जितना भी जंग या कार्बन जमा होगा वो निकल जाएगा। उसके बाद आप इसको अपने रिमोट पे चलाकर देखें, तो आपका सेल जो है इजीली वर्क करने लगेगा। अगर वो वर्क ना करे, तो इट मीन्स आपका सेल खराब है, तो आप इसको डिस्कार्ड करके कोई दूसरा सेल भी लगा सकते हैं। लेकिन फेंकने से पहले आप एक बार इस ट्रिक को जरूर यूज करके देखिए। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है मिक्सी जार को लेके। दोस्तों, जब भी हमें इसके अंदर मसाला पीसना होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमने अपनी स्लैब धोई होती है या हमारी स्लैब गीली होती है, तो हम गीली स्लैब में ही जब हम मसाला पीसते हैं, तो हमारे को जो है करंट लगने का डर बना रहता है। और कई बार क्या होता है, इसके जो पैर है ये नीचे से जो है घिस जाते हैं। रेगुलर हमें जब हमें सफाई करनी होती है या स्लैब को हमें धोना होता है, तो हम बार बार मिक्सी को इस तरीके से खिसकाते हैं, जिसके कारण इसके पैर काफी घिस जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक शेयर करने वाली हूँ कि आप क्या करें, इस तरीके से आप अपने घर पे रखे हुए बॉटल की कैप ले लें। आपने क्या करना है, इसके जो पैर है, इसके पैर के नीचे जो है आपने इस तरीके से अपने बॉटल की कैप को लगा देना है। ये देखिए, इस तरीके से ढक्कन मैंने मिक्सी जार के नीचे लगा दी है। अब इसे क्या होगा, अगर आपकी स्लैब गीली भी होगी, तो आप इसके अंदर मसाला पीसेंगे, एक तो आपको करंट नहीं लगेगा, और दूसरा नेक्स्ट टाइम जब भी आपको अपने किचन की सफाई करनी होगी, तो इसकी मदद से आप बड़ी आसानी से इसको इधर उधर खिसका सकती हैं, जिसके कारण इसके आपके पैर भी खराब नहीं होंगे और आपकी मशीन भी काफी लंबे टाइम तक चलेगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। मेरे अगला हैक होने वाला है इस तरीके के नमकीन के पैकेट्स को लेके। अक्सर हमारे घर में ढेर सारे नमकीन के पैकेट आते हैं या बिस्किट्स के पैकेट आते हैं,
तो क्या करते हैं हम अक्सर इनको खाने के बाद उठाकर फेंक देते हैं। तो आज मैं इनका बहुत ही बढ़िया आपको इस्तेमाल बताने वाली हूँ कि आगे से आप इनको फेंकेंगे नहीं और संभाल कर रखेंगे। चलिए उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए आप ये ले लें इस तरीके से नमकीन के या बिस्किट के कोई भी पैकेट। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हमें लेनी है एक सीजर और सीजर की मदद से अब हम इसको एक छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारे पैकेट मैंने इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, कई बार हमारे घर में इस तरीके का कप टूट जाते हैं या हमारे कप जो है प्लेन होते हैं, देखने में खूबसूरत नहीं लगते हैं, तो हम इसकी मदद से इसको बड़ी ही आसानी से डेकोरेट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे ग्लू और ग्लू की मदद से इसको कप के ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। अब ये जो हमने पीसेस लिए हैं छोटे छोटे, अब हम इसके ऊपर इस तरीके से डालते हुए धीरे धीरे, इस तरीके से इसके ऊपर चिपका देंगे। इस तरीके से मैं सारे कप के ऊपर ये अपने छोटे छोटे जो पीसेस कट किए हुए हैं इसको चिपका देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने सारे के सारे इसके ऊपर अपने कप के ऊपर चिपका दिया। अब देखिए मेरा कप देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है और ये टूटा हुआ है, किसी को पता भी नहीं चलेगा ये टूटा हुआ है। इस तरीके से आप अपने बोरिंग कप को, जो कि देखने में खूबसूरत नहीं है या जिनका आपका हैंडल टूट गया है या बेकार हो चुके हैं, इस तरीके से आप चिपका कर अपने कप को ब्यूटीफुल बना सकते हैं और अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं इसको आपको इसका फाइनल लुक अभी दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारा ये छोटा सा प्लांटर बनकर तैयार हो गया है। कोई इसको देखकर कह नहीं सकता कि ये हमने टूटे हुए कप से तैयार किया है। इस तरीके से आप अपने बेकार पड़े हुए पैकेट से अपने घर की किसी भी बोरिंग चीज को खूबसूरत बना सकते हैं। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर इनमें से कोई भी टिप आपको हेल्पफुल लगी है तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और मेंबर्स में शेयर कीजिएगा। और आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।